देखिए, दर्शन से मेरी बात हो रही थी। दर्शन, आप बताइए, वो पोर्टफोलियो आपका देखने के बाद क्या बोला इंटरव्यूअर ने, थोड़ा बताइए सबको तो पता चले। सर, वो आशीष प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट था सर, पोर्टफोलियो में डाले हुआ। तो बोले कि आपने सेट पर ही बनाया है, बोले। बोला हाँ सर। तो बोले कि ये पॉसिबल ही नहीं, बोले। पहले तो बोले वो, बोला सर किया है, बोला थोड़ी मेहनत लगी, बोला। तो हाँ बोले ऐसी कौन सी कंपनी है, बोले, कि जो सेट पे इतने बड़े प्रोजेक्ट लेती है, बोले। तो सर यूनिफिल नाम लिया सर, तो बोले अच्छा, बोले। और डिजाइन कहाँ पे है सर, कॉलम और बीम आते दिस पे, बोल दिया। हाँ एंड तो बोले कि साइट पे इतना परफॉर्म करना, बोले, तो मतलब हम एफएससी है, बोले, फिर भी हमारे लिए भी इम्पॉसिबल है, बोले। हाँ हाँ एक्चुअली है तो है, वो तो जानते ही हो, है ना। डिफिकल्ट तो है, बट कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इनका सिर्फ पोर्टफोलियो की वजह से बड़ा इंप्रेशन पड़ा, नो डाउट इन्होंने और परफॉर्म किया होगा, बट होप सो कि इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, मेरा जहाँ तक पूरा उम्मीद, क्योंकि अभी इनसे केवल सैलरी डिस्कस करना है, तो दैट मीन कि ही इज इन, कल आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, वो भी सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, उम्मीद यही है, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। बट जो हमारा अंदाजा है, एक जो आदमी का, आम इंसान की जो इच्छा होती है, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए, वो टॉपिक नहीं है आज का, टॉपिक हम लोग करना चाह रहे या फिर गुड हम इवनिंग सब। सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीष, सर सॉरी सर, मैं बीच में इंटरप्ट किया कोई बात नहीं, सर। बोलिए। वो मेरा मेजर प्रोजेक्ट था ना, उस दिन मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो सर प्लीज उसमें कुछ जो वार्निंग्स थी, तो वो अभी तक मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ। ओके ठीक है, आप क्षमा भेज दिए करना ना आप सर, फाइल उस को, दिन मैं अटेंड नहीं कर पाया। फाइल को भेज दिए जी हैं, सर, जी सर, वो मैंने और चार ही प्रिंट भेजा कि नहीं यस पहले ये सर। बताइए। चारी प्रोजेक्ट ओ सॉरी, सॉरी चारी नहीं, सॉरी, सर, साउथ कटप्पा, साउथ कटप्पा प्रोजेक्ट भेजा कि नहीं आपने। हाँ साउथ कोटप्पा तो भी। हाँ ठीक है, तब मैं देखूंगा, क्योंकि पहले अपना कर्म है। और लेक्चर कितना वॉच कर लिया? लेक्चर तो मैंने ना 6 रखी हो जी। 6? बहुत पीछे चल रहे हो हाँ दोस्त, सर 6 ही किया हो जी। बहुत पीछे चल रहे हो, क्योंकि अभी ना, अभी हम लोग बड़े टॉपिक जैसे टच करेंगे ना, तो लेक्चर वॉच नहीं हुआ रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर लगेगा यार ये कहाँ से आ रहा है टॉपिक, है ना, तो जल्दी कवर कर लो दोस्त। इन बिटवीन मैं कवर कर हाँ लूंगा उसको। चलेगा, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग मतलब गाइस, फ्रीलांसिंग ही क्यों नहीं बताते, आपको बिजनेस पूरा कैसे स्टेब्लिश करना है वो पूरा बताता हूँ। तो गाइस, इसको 3 मेथड में मैं डिवाइड करता हूँ बेसिकली, ठीक है। इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 3 मेथड ये है कि पहला मेथड ऐसा है जिसमें कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है और सफलता के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, और दूसरा मेथड है जिसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, बट हाँ पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा है और उसमें सफलता का ज़्यादा चांस रहता है। और उसके बाद एक तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप में क्या होता है गाइस, तीसरे टाइप में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा अच्छा पैसे आप अर्न कर सकते हो। कैसे, चलिए शुरू करते हैं, तीनों टाइप के फ्रीलांसिंग्स को देखते हैं। पहला जो फ्रीलांसिंग होता है गाइस, वो फ्रीलांसिंग होता है बहुत इजली, कुछ नहीं करना है, आप आराम से कई ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स जैसे कि freelancing.com है, fiverr.com है, ठीक है, ऐसी कई ढेर सारी बेहतरीन वेबसाइट्स हैं, पीपल पर आर्स है, ठीक है, और upwork.com है। इन वेबसाइट्स पर आपको सिंपल अपने आप को रजिस्टर्ड कर देना है, और रजिस्टर्ड करते ही आप वहाँ पर कई ढेर सारे लोग अपने पोस्ट डालेंगे, कमेंट मीन्स वर्क डालेंगे कि मेरा ये काम है, और उस काम के लिए आपको ऑनलाइन बिडिंग करना रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन बिडिंग मतलब जैसे होता है ना कि मैं इतने में करके दूंगा, मैं इस काम को इतने में करके दूंगा, बट एक इम्प्रेसिव लाइन के साथ कि मैं इसमें ये एनालिसिस कर सकता हूँ, ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, कुछ इतना इम्प्रेसिव लिखिए कि सामने वाले को लगे कि यार इस इंसान के प्रोफाइल पर जाना चाहिए। आपके प्रोफाइल पर कोई जाए तो आप अपने जितने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट किए हुए हैं सबको डाल के रखें, जिससे कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस आए कि यार इस इंसान को अगर हम हायर करेंगे तो हायर करने से हमारा फायदा होगा। तो ये जब आप वर्ड यूज करते हो ना, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। इस फ्रीलांसिंग स्टेप में गाइस कोई भी खर्च नहीं है, ठीक है, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट पर भी एक बार लाइव बता, यस यस बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें कोई खर्च नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है आपके जॉब को ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप अपने करेंट जॉब के साथ इवनिंग में 1 घंटा 2 घंटा आप ऑनलाइन बिडिंग करिए। हाँ इसमें वक्त लगता है, 1 से 2 महीने लगेंगे पहले काम को पाने के लिए। जब पहला काम आप पा जाते हैं तो कंपनियों से डायरेक्ट आपके टाई अप होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और इतना काम हो जाता है कि कभी कभी आप काम कर ही नहीं पाते हो, और कभी कभी जिसने सही से बिडिंग नहीं किया, पोलाइटली से क्लाइंट से बात नहीं किया, हो सकता है उसको प्रोजेक्ट ही ना मिले।
ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा संभावना है जिसके पास 1 से 2 महीने का एक पेशेंस है कि नहीं यार 1 से 2 महीने अपन रह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काम हो गया तो ठीक, नहीं तो 1 से 2 महीने तो अपन कंटिन्यू वेडिंग करते रहेंगे। ठीक है, इसमें हार्डली जो खर्चा आएगा गाइस वो आएगा आपका 2 से 3 हजार, हार्डली 4 हजार रुपये पकड़ लो, मतलब 4 हजार रुपये में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिजनेस का कि मेरा फ्रीलांसिंग वर्क जॉब के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सबसे पहला वाला, दूसरे वाले में थोड़ा इन्वेस्टमेंट का मैंने बात किया था। दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा गाइस, पहले वाले में तो आप घर से बैठ के कर रहे थे, दूसरे वाले में आपको अपना मार्केट तैयार करना पड़ेगा। मार्केट कैसे तैयार करेंगे, आप ऑफलाइन जाके जितने भी आपके एरिया में सिविल इंजीनियर्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, जितने भी आर्किटेक्ट हैं, सबके पास जाएंगे और जाके उनको अपने काम को प्रेजेंट करेंगे, इन द सेंस ऑफ पोर्टफोलियो या फिर कैटलॉग के सेंस में भी आप बोलता है दिखा सकते हैं कि सर मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और अभी जस्ट ये मैं सारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन करता था, अभी मैं चाहता हूँ कि अपने एरिया में मैं कुछ ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स करूँ, धीरे धीरे मैं चीज़ों को क्या बोलते हैं बेस्ट सर्विस अपना प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और हमारी एक पॉलिसी है जो मैंने किया था, शायद आपको यूज करें तो आपके लिए बेटर हो, तो आप एक ऐसी पॉलिसी ऐड कर दीजिए जिस पॉलिसी से सामने वाले को लगे कि हाँ यार ट्रायल करना बनता है। ठीक है, जिस पॉलिसी से लोगों को लगे कि ट्रायल करना बनता है, जैसे कि हमने क्या पॉलिसी रखी थी गाइस कि पहला प्रोजेक्ट हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। ठीक है, अब ये इतना बड़ा पॉलिसी है कि हर कोई चाहेगा यार पाला मतलब फ्री में दे रहा बंदा, चलो ट्राई कर लेते हैं। अब हो सकता है आप 10 स्ट्रक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट मिले तो 10 में से किसी न किसी के पास प्रोजेक्ट आया रहेगा, तो मैं ये मान के चले कि कोई एक ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा अच्छा करके दिखाओ। ठीक है, चाहे मजे लेने के लिए ही क्यों ना बोले, बट बोलेगा जरूर। तो ये जो दूसरा वाला तरीका होता है गाइस, इसमें सक्सेस मिलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इसमें बस इतना सा खर्च रहता है आपका कि आपको समय निकाल के ऑफिशियल टाइम में, ठीक है, एटलीस्ट सैटरडे संडे को, तो क्योंकि जिनका अपना खुद का फॉर्म रहता है वो सैटरडे संडे सब ओपन किए रहते हैं, तो सैटरडे संडे में आप अपने जॉब के साथ यहाँ पर विजिट करें और विजिट करके लोगों से अपने रिलेशन अच्छे करें। जैसे कि मेरे पास इस समय पुणे के जितने स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं उनका एक पूरा ग्रुप है, कौन कहाँ पर ओपन किया हुआ है सबका मेरे पास एक ग्रुप है। तो ऐसे ही आपका भी धीरे 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 टाई अप होने लगेगा। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर्स या फिर एक सिविल इंजीनियर्स का आपने प्रोजेक्ट कर लिया, अब आप नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे तो आप बोलेंगे कि सर मैं वहां पर जो उस कंपनी में जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो प्रोजेक्ट मैंने किए हुए हैं। अब क्या हो गया, ट्रस्ट बढ़ जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि क्या बोलते हैं लोग जब किसी का रेफरेंस दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रस्ट बिल्डअप का काम हो जाता है और बहुत आराम से लोग वहां पर क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास कोई सीखने के लिए आता है, ठीक है, और जैसे सीखने के टाइम पर उसने बोला कि मुझे सर अनिरुद्ध ने आपका रेफरेंस दिया है, अनिरुद्ध ने बताया कि सर ने अच्छी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ऐसा ऐसा करके, अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता फिर उस, मुझे लगता है अब इसमें मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अभी अनिरुद्ध का अगर कोई दोस्त है तो अनिरुद्ध या फिर दर्शन या फिर कोई भी अपने दोस्त को बता के ही भेजे होंगे कि सर ऐसे ऐसे चीजें कराते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो, बस इतना समय पूछता हूँ, कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो। 1 से 2 डाउट पूछा उन्होंने, फिर वो अपना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एडमिशन ले लेते हैं। अब यही चीज कोई एक अननोन पर्सन है जिसको पता ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, अब वो 10 तरीके की इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं आप, कैसे कैसे प्रोजेक्ट कराते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं, अच्छा इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाते हैं, अच्छा मॉक इंटरव्यू क्या होता है, कैसे लेते हैं, 10 तरीके की चीजें होती है ना। तो मतलब जब आप एक सिविल इंजीनियर का रेफरेंस दे देंगे कि मैं इनके यहाँ पर काम करता था, अब मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा इनके यहाँ काम करते कोई दिक्कत नहीं, तब तो वही काम तो लगभग अपना भी है, आ जाओ। अब आपके पास 2 रेफरेंस हो गए, फिर ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस काम में भी धीरे 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 बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और मैंने खुद भी किया था बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन आप करना चाहें तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पहले स्टार्ट करिए विदाउट मोर इन्वेस्टमेंट। हाँ, थोड़ा सा याद करने के लिए, लोगों को मेमोराइज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें अगर गिफ्ट कर सकें आप, तो मतलब इसमें आप कम से कम 15 से 20 हजार का बजट निकाल के चलिए, दूसरे वाले में कुछ ऐसी चीजें लेके चलें कि क्या बोलते हैं उनको मेमोराइज रहे वो चीजें, जैसे कि आप एक डायरी लेके चले गए, आप पेन लेके चले गए, आप कैलेंडर लेके चले गए, बोले सर ये हमारे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, तो उससे क्या होता है सामने को लगता है अच्छा, उसमें थोड़ा आपकी प्रिंटिंग वोटिंग होनी चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, ये लड़का आया था इसने बोला था कि पहला प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, चलो देखते हैं। ठीक है, देर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि आप काम
जो अटेंशन है वो अगर उन्होंने आपने उनका अटेंशन खींच लिया तो सेकेंड वाले स्टेप में प्रोजेक्ट मिलना बड़ा आसान हो जाता है। ये मैं छोटे शहर की ही बात कर रहा हूँ, छोटे शहर में ही ये चीज़ ज़्यादा आसानी से हो जाता है उमर। बहुत बड़ी कंपनी में जाओगे तो आपको भाव ही नहीं देंगे, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी में जाओगे तो आपको भाव ही नहीं देंगे। ये छोटे छोटे कंसल्टेंट के पास जाने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, छोटे छोटे कंसल्टेंट से आप धीरे 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 करके अपना पावर बढ़ाइए, और पावर बढ़ाने के बाद फिर आप बड़े लेवल पर इसको धीरे धीरे लेके जाइए, ठीक है। अब देखिए कि आप इसके तीसरे वाला, ये जो दूसरा वाला स्टेप है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि जस्ट डायल से सर्च कर सकते हैं। एक वेबसाइट है सुलेखा.com, एक वेबसाइट है इंडियामार्ट.com। इन वेबसाइट्स पर से जाइए, सर्च करिए कि आपके नियर बाय में डिज़ाइनर कौन कौन है, ठीक है, तुरंत लिस्ट आ जाएगी, उनके एड्रेस ले लीजिए और डायरेक्ट एक एक करके कॉन्टेक्ट कर लीजिए उनको मिलके। हो सके तो अगर पॉसिबल हो तो उनको एक बार व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर आप एक अच्छा सा कोट लिख दीजिए कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ फॉर दिस दिस वर्क, कैन यू जस्ट टेल अस योर कंफर्टेबल टाइम एट व्हेन आई कैन मीट विथ यू इन योर ऑफिस। तो थोड़ा सा पूछ के जाओगे तो थोड़ा इजी हो जाता है और थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है कि हाँ ये जो लड़का है समझदार है, ठीक है, इसने टाइम लेके तब ये आया हुआ है, कोई बिजी है ना तो ऐसे में भाव नहीं देना चाहता, कोई खाली है तो अलग बात है, तब उसके पास काम ही क्या रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप है गाइस, जिससे कि आप अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं या फिर फ्यूचर में अपना कंपनी जैसा रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ था, पहले वाले में 5,000 का इन्वेस्टमेंट, इसमें 20,000 का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जाना आना, पेट्रोल, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करना, समटाइम्स कुछ उनके लिए प्रेजेंट लेके जाना, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट लेके ले लीजिए कि इसमें लगने वाला है। प्लस हो सकता है पहला प्रोजेक्ट आप करें तो उसका पैसा न मिले बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट को आपने किया, उन्होंने जानबूझ के बोल दिया खराब है, फिर उन्होंने पैसे नहीं दिया, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें कोई, ये तो मैं एक कॉर्नर बता रहा हूँ ना, सॉफ्ट कॉर्नर की ऐसे 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 चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है एक ऐसा भी सिचुएशन आए, आप जाओ सामने वाला जलने लगे कि यार ये मेरा कंपटीटर ना बन जाए तो आपको एंटरटेन ही ना करे, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के दूसरा कॉइंस है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, बट हाँ आपको किधर देखना है, इधर देखना है सोल्यूशन की तरफ की। चलो एक एक नहीं मानेगा ना, दूसरे बंदे से मिलेंगे, दूसरा नहीं मानेगा ना, तीसरे से मिलेंगे, तीसरा नहीं मानेगा ना, चौथे से मिलेंगे। कुल मिला के हम जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कोई ना कोई इस चीज़ को लेकर रेडी होगा। खास तौर से हर एक आर्किटेक्ट को एक स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए होता है, तो वो तो रेडी हो जाएंगे कि चलो यार अपने लिए पास एक स्ट्रक्चर इंजीनियर रहेगा, फटाफट एनालिसिस करवा के काम कर सकते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है हरियाणा में, बड़ा अच्छा उसने ऐसे स्टार्ट किया, अभी तो उसने प्रॉपर एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के ये स्टेप बहुत सक्सेसफुल है। नाउ स्टेप नंबर थ्री, जैसा कि मैंने बोला था, पहले वाले में कम इन्वेस्टमेंट है, दूसरे वाले में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तीसरे वाले में और ज़्यादा है। तीसरा वाला उनके लिए है गाइस जो एक अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं या फिर जिनके पास एक अच्छा इनकम सोर्स है पहले से किसी न किसी डोमेन से, अब उनको सिविल में अपना वर्क जमाना है, ठीक है। इसके लिए आप पकड़ के चलिए कि उसमें 20,000 था, इसमें 2 लाख रुपए पकड़ के चलिए, कितना, 2 लाख रुपए का खर्चा आप पकड़ के चलिए इस बिजनेस में। आप लोग सर इसमें कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कैसे, आपको पहले प्रॉपर एक ऑफिस लेना पड़ेगा छोटा सा रेंट पे, 10,000, 5,000, 4,000, जो भी रेंट लगे आपके एरिया के हिसाब से। ऑफिस में आपको अपना एग्रीमेंट वगैरह बना के एक प्रॉपर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ISI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद अपने कॉर्पोरेशन से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग का भी और स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी, लाइसेंस बना के और फिर उसके बाद आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अभी इसमें कई टाइप के अलग अलग कंपनियां होती है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं सजेशन दूंगा पहले या ज़्यादा पैसा मत खर्च करिए तो प्रोप्राइटरशिप कर लीजिए। तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी में क्या होता है गाइस, सिंपल आपको GST नंबर ले लीजिए, उसके बाद आप जाके करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद जाके आप MSAB में रजिस्टर कर दीजिए अपने कंपनी को, और उसके बाद उद्यम का लाइसेंस ले लीजिए। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, किसी भी CA की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आप घर बैठ के ऑनलाइन सब काम कर सकते हो, ठीक है। और ये करने के बाद एक ISO सर्टिफिकेशन ले लीजिए, वो भी ऑनलाइन आ जाएगा, ठीक है, ISO सर्टिफिकेशन ले लीजिए। और उसके बाद इन पेपर्स को लगा के, जैसे GST को लगा के और इन पेपर को लगा के, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल, इन दोनों वेबसाइट्स पर रजिस्टर कर दीजिए अपना परमानेंट एड्रेस। इसमें जो काम आएगा वो आपके नियर बाई से आएगा, बट बहुत ढेर सारा आएगा, मतलब अच्छे खासे रेफरेंस आएंगे, तो
लीड आएगी। अब उन लीड से आपको, लीड इन सेंस कि लोग आपसे कौन इंक्वायरी कर रहा है, सपोज आप इंक्वायरी कर रहे हो डिजाइनर इन प्रयागराज, तो हो सकता है मेरा आ जाए एड सुपर, ठीक है। एड्स इन द सेंस कि जो हम डालते हैं उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, हर कोई अपना रजिस्ट्रेशन करता है इंडिया मार्ट पर, यहाँ पर तो हमें आपका नंबर मिल जाएगा कि अच्छा ये सर्च कर रहे हैं ऐसी सर्विसेज, ठीक है। तो टेक्निकली मैं उनको कॉल करूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा कि हम ऐसे ऐसे सर्विस देंगे, आके ही तो आपके घर पे आके हम आपको अपना मॉडल दिखा दें कैसा कैसा बनाएंगे। तो कुल मिला के उनको अगर आपने कन्विंस कर लिया तो तीसरे वाले स्टेप में सबसे ज़्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात कर रहे हो। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में क्या था कि अब आपको कोई एक आर्किटेक्चर वाला बंदा या फिर आर्किटेक्ट दे रहा है काम, स्वाभाविक सी बात है वो अपने काम से बचा हुआ पैसे से वो करवाएगा, ठीक है। यहीं पर तीसरा, पहले वाले में क्या था कि कोई कंपनी अपना काम पोस्ट करके सस्ते में करवा रही है, तीसरे वाले में क्या है, आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से कन्वीनियंट होके उनसे पैसे मांग सकते हो और क्या बोलते हैं अच्छा खासा पैसा। और उसके बाद जब आपके पास पैसे आने लगे तो कई आजकल कई ढेर सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि मेटा एड्स लगा दिया आपने, तो फेसबुक पर लोगों को, इंस्टाग्राम पर लोग चला रहे हैं, घर के रिलेटेड कुछ देख रहे हैं, आपका ऐड आ रहा है, ऐड आ रहा है, तो आपके लिए डिज़ाइन के लिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए और भी जो सर्विसेज हैं आपके पास आने के लिए लोग धीरे 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 करके ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ये रहा 3 स्टेप्स कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। पहला स्टेप जो है वो आप चाहे तो अभी से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है, घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करके आपको बिडिंग करना है। बिडिंग करने का फॉर्मेट आप चाहे तो चैट जीपीटी से ले लीजिए, चाहे तो फिर गूगल से ले लीजिए, चाहे तो आप हमसे ले लीजिएगा। उसमें बेसिकली बस इतना लिखना पड़ता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इन इन तरीके के बिल्डिंग्स को ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, और क्या बोलते हैं आपके इस काम को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ और मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये डिज़ाइन का ही केवल काम मत लीजिए, लीजिए तो ऑनलाइन आप ले रहे हैं तो आप ड्राफ्टिंग का भी ले लीजिए और भी जो आपको काम आते हैं उनको भी ले लीजिए, क्योंकि तभी जाके ज़्यादा काम मिलने का चांस रहेगा। रिजिट नहीं रहना कि नहीं, मैं इतना ही करूँगा, नहीं, जो मिलेगा वो करूँगा, ठीक है। अब तीनों स्टेप में कोई डाउट हो किसी को तो आप हैंड रेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तीनों स्टेप्स में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा। क्या बात है नरेंद्र, कुछ पूछना चाहिए? यस नरेंद्र बोलिए। सर, हम पहले जो बताया ना सर, उसमें हम सॉफ्टवेयर वगैरह का क्या क्या होगा सर, हम क्रैक यूज करके कर सकते हैं? अभी के लिए आप कर सकते हो, छोटे कंपनियों के लिए आप क्रैक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े कंपनी के जो प्रोजेक्ट होंगे तो मना कर देंगे वो खुद ही, ठीक है, ओके ओके सर। तो आपको नहीं देंगे प्रोजेक्ट, उनके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ, जैसे स्टैट प्रो पर प्रोजेक्ट आया हुआ है तो बहुत कॉस्टली नहीं है स्टैट प्रो, हार्डली 74,000, पकड़ के चलिए 80,000 रुपये में आपका सब काम हो जाएगा, है ना। तो आपको इमरजेंसी पर्पज से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मनीष शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, मनीष बोलिए। जी सर, सर जैसे आपने बताया कि ऑफिस लेके जैसे उसको रजिस्टर जीएसटी नंबर दे सकते, तो बिना जीएसटी दिए ये काम नहीं हो सकता थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा बदल। सर? मैंने कहा जीएसटी नंबर लेना जरूरी रहता है इसमें सर, जैसे फॉर्म बना दी हाँ तो हाँ जीएसटी करंट नंबर लेना अकाउंट के लिए, कंपलसरी करंट रहता है? अकाउंट के लिए जीएसटी नंबर होना कंपलसरी होता है, ठीक है। करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपका जैसे कि अभी जैसे कि आप स्टार्टिंग में तो आप सेविंग अकाउंट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आपका अगर टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जा रहा है तो वो थ्रीशोल्ड लिमिट के ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो वो अकाउंट उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप करेंट अकाउंट खोल लेंगे तो 50 लाख तक का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात की जीएसटी की, तो आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, वहां पर ऑप्शन रहता है नील, नील करके भी आप पेमेंट दिखा सकते हैं जीएसटी का, ठीक है। तो बस उसमें दिखा दीजिए कि हमारा अभी व्यापार उस लेवल पर नहीं हो रहा कि मैं जीएसटी पे कर सकूं। 40 लाख तक जनरली छूट रहता है, ऑफिशियली 20 लाख तक, 20 लाख और भी दिखा सकते हैं कि हम इस चीज़ों को के लिए पैसे पा रहे हैं, तो 40 लाख तक जीएसटी पे करने की नीड नहीं होती। उसके ऊपर आपका हो रहा है तो आपको पूरी जीएसटी पे करनी पड़ेगी। उससे पहले नंबर लेना जरूरी है सर? नंबर तो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका करेंट अकाउंट खुलेगा तो उसमें लगने वाला है ओके। नंबर, तो और ये आपको फर्म तुरंत। रजिस्टर जो रहती है, फर्म जो जैसे रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, हम फर्म को रजिस्ट्रेशन करें तो वो कहाँ से होती है? ये जो मैंने अभी फॉर्म बताया, ये बताया प्रोप्राइटरशिप के लिए बताया, लेकिन अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म रजिस्टर्ड करना है, ठीक है, तो इसमें आपका एक लॉन्ग स्टेप होगा लगभग इसमें, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में तो कोई खास आपका पैसा नहीं लग रहा है,
बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं तो उसमें कई ढेर सारे स्टेप्स हैं, कई ढेर सारे पेपर्स रजिस्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए लगभग आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा बैठता है और वो सीए बना के देगा, ठीक है। उसमें ओके सर, कई और एजेंट, जैसे सिंपल सिंपल प्रोप्राइटरशिप के लिए सर? सिंपल प्रोप्राइटरशिप आप खुद से भी रजिस्टर कर सकते हो। पहले सबसे पहले आप चले जाइए, अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर कर दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए परमानेंट, और बता दीजिए कि हम इस नाम से फॉर्म रजिस्टर कर रहे हैं। ऐसा करके आप जीएसटी नंबर ले लीजिए और वही जीएसटी नंबर लगा के आप एमएसएमई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। हार्डली 1,000 रुपये लगता है, 800 रुपये के आसपास एमएसएमई में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद उसी एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसको लेके आप उद्यम के लिए जा सकते हैं। उद्यम का एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो उसको आकर रजिस्टर कर सकते हैं। और उन्हीं तीनों सर्टिफिकेट को दिखा के आप अपना क्या बोलते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल स्टेप हो गया, इसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं है। हार्डली आप 2-3 हज़ार रुपये में सब हो जाएगा, 2 हज़ार रुपये में सब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, सुशील कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुशील बोलिए। सर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत सारी कंपनियां मांगती है जब हम प्रोजेक्ट करके देते हैं, तो करेक्ट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टेबिलिटी उसके लिए सर्टिफिकेट के पहले लिए? आपको अपना लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और लाइसेंस बनवाने के लिए आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दिल्ली में जिसका ब्रांच है, ठीक है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसका चार्ज रहता है, पीछे कुछ चार्ज चल रहा था, चार्ज डिफर होता रहता है, इसलिए एग्जैक्ट बताना मुश्किल हो जाएगा। 8,400 के आसपास चल रहा था, ठीक है। तो वो चार्ज आप पे करके, उसका हाँ लिंक हम शेयर कर देंगे, लिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आपको जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किस स्टेट से हैं? महाराष्ट्र से, पुणे से। महाराष्ट्र, ठीक है। तो कौन सा कॉर्पोरेशन है आपका, कॉर्पोरेशन कौन सा है? पुणे महानगर पालिका। पुणे। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पीएमसी में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पीएमसी में एक ड्राफ्टिंग का लाइसेंस बनता है जो कि आपको हार्डली ये 2,000 रुपये में बन जाएगा। और स्ट्रक्चर वाले का, पीएमसी का एग्जैक्ट फीस नहीं मुझे पता है, बट हाँ ये मान के चलिए कि 5,000 रुपये के आसपास में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर मुझे वो MIDC में करना है, हाँ रंजनगांव MIDC जो है हाँ उसके हाँ लिए, वो जहां पर क्या करना करना है उस कॉर्पोरेशन के पड़ेगा? लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो कॉर्पोरेशन नहीं, उधर ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। आपने कंपनी रजिस्टर है। कर रखी है और आपने क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर का लाइसेंस ले रखा है और चार्टर्ड इंजीनियर का, तो फिर भी तो वहां तो ग्राम पंचायत में तो स्टेबिलिटी भी नहीं लगता है। सर MIDC के लिए कुछ MIDC पे कुछ परमिशन लगती है सर स्ट्रक्चरल? एमआईडीसी का एक्चुअली मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं मतलब कॉर्पोरेशन का बता सकता हूँ ना, तो क्या बोलते हैं एमआईडीसी का एक बार आपको देखना पड़ेगा क्या रूल है। और हर कॉर्पोरेशन का भी नहीं पता, बट हाँ पीएमसी का मुझे पता है और पीडीए का, क्योंकि हर कॉर्पोरेशन का अपना अलग अलग रूल होता है इसको लेके, है ना। तो किसी का परमानेंट रूल बताना गलत हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ ये है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का लाइसेंस कॉमन रहेगा और आपका चार्टर्ड इंजीनियर की मेंबरशिप कॉमन रहेगी, और इंडियन स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का जो एसोसिएशन होता है उसका मेंबरशिप भी कॉमन रहता है। तो वो आपको मैं बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप कर सकते हैं उससे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ना सर? है। अगर आप बीटेक हैं तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एमटेक है तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, पीएचडी है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। कौन सा फर्म चलेगा ना, या ऐसा कुछ है? ठीक कोई भी फॉर्म चलेगा, ठीक है, कोई भी फॉर्म चलेगा, यस। चलो ओके, थैंक यू सर। ओके जी, नाउ अनिरुद्ध कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस अनिरुद्ध बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि प्रोस्पेक्टरशिप क्या होता है, और दूसरा कि जो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप, हाँ, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप और भी कई 5 से 6 टाइप की कंपनीज होती है। एलएलपी होती है, प्रोप्राइटरशिप होती है, और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप होती है, और उसके बाद आपकी लिमिटेड कंपनी भी होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उसके बेस पर कंपनीज डिसाइड करती हैं कि आपको, जैसे कि 0 से 20 मेंबर्स तक हैं तो आप जनरली प्रोप्राइटरशिप प्रिफरेंस होती है कंपनी की, और 20 के ऊपर आपके मेंबर्स हैं तो फिर आप चाहते हो कि प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हो। देखो उसके अंतर क्या रहता है, जनरली जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी होता है उसमें मेरा अकेले का स्वामित्व रहेगा, ठीक है, आई एम द ऑनर, आई एम द बॉस, ठीक है। और कल को इन केस मुझे कुछ हो जाता है, ठीक है, नाउ माई कंपनी इज फिनिश नाउ, ठीक है, किसी का कोई हक नहीं है उस कंपनी पे, वो कंपनी वहीं पर स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। और यही चीज जब आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फर्म रजिस्टर करते हो वहां पर 2 डायरेक्टर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे अभी तुमको बताया था ना, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है ना,
तो अभी प्रोसेस मेरा चल ही रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो उसमें क्या होगा कि हमारे साथ एक और डायरेक्टर रहेंगे, ठीक है? तो वो डायरेक्टर रहेंगे तो क्या होगा कि इन केस, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टर को कुछ होता है चाहे मुझे कुछ होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी रन करती रहेगी क्योंकि एक डायरेक्टर रहेगा। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उसमें से बोर्ड ऑफ मेंबर्स बन जाएंगे, वो डिसाइड कर देंगे कि दूसरा डायरेक्टर कौन हो सकता है, ठीक है? अब वो कंपनी चलती रहेगी, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है कि कंपनी नहीं रन हो पा रही है तो गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से रन कर सकती है, ठीक है? तो वो रहती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ज़्यादा फायदा रहता है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो ले रहे हैं, टेंडर वगैरह ले रहे हैं, उनके लिए खास तौर से ज़्यादा प्रोजेक्ट प्रॉब्लम, मतलब किसी के प्रोप्राइटरशिप है। मैंने मैंने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, ठीक है? और इन केस किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया, फिर मेरे साथ ऊपर वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसके पास, ठीक है? लेकिन अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड किया हुआ है तो फिर यू आर द रिस्पॉन्सिबल, और आपकी पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है, और उसके साथ ही साथ आपके दो डायरेक्टर हैं ना, तो दोनों डायरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपके बोर्ड ऑफ मेंबर भी रहेंगे जो कि हो सकता है इन्वेस्टर हो उस कंपनी को लेके, और हाँ इन्वेस्टमेंट लेना है आपको तब के लिए प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म होना कंपल्सरी है, ठीक? ऐसे मतलब रजिस्टर्ड रूप से, क्योंकि उसमें आपको शेयर्स देने पड़ेंगे। जैसे कि आप, या आप और आपका पार्टनर कोई है, मान लीजिए आपके घर पे आपके ब्रदर, आपकी वाइफ, आपके सिस्टर, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, तो उनको कुछ ना कुछ शेयर देना पड़ेगा स्टार्टिंग में आपको, ठीक है? उसके बिहाफ पर एक चेक सबमिट करना पड़ता है कि कंपनी में मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, नाउ प्रोसेस स्टार्ट। उसके बिहाफ पर ये हो जाएगा कि कंपनी का 90% आपके पास है या फिर 50% आपके पास है, 50% इनके पास है। क्लियर हो गया अनिरुद्ध? यस सर, एक और सर वो चीज़ जैसे कि अभी हम सर ये सब चीज़ डिस्कस करें, टेक्निकल चीज़ तो अभी तो जैसे थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन सर आप ऐसा कर सकते हैं क्या इन सबको एक साथ लेक्चर में कवर कर सकते हैं, जैसे नगर पालिका में जैसे अभी बातचीत चल रहे थे ना, हाँ, तो किसी उस एक टाइप का? नगर पालिका को बता सकते हैं, क्योंकि हर नगर पालिका के ना मुझे भी इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, समझ रहे हो? मैं, आप बताइए तो मैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे आसान होगा या तो पीएमसी का या फिर हमारे यहाँ का, ठीक है? और तो क्योंकि हर कॉरपोरेशन का रूल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है? अभी तो अच्छा हो गया कि अब तो स्टेट वाइज हो गया। जैसे कि अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हो गया कि आपका आवास विकास योजना से आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पूरे ऑल ओवर यूपी में आप अपना वर्क कर सकते हैं। आई थिंक उमर बता सकते हैं कि बिहार में भी शायद यही हो गया है, ठीक है? कुछ स्टेट्स में धीरे धीरे ये चीजें ढेर लागू हो रही है, कुछ स्टेट में शायद अभी लागू ये नहीं हो पाई है। हाँ, तो इस तरह नगर से, विकास विभाग के द्वारा होंगे। हाँ, तो अभी क्या होगा कि केवल एक ही जगह से लाइसेंस बना के पूरे जगह पर आप काम कर सकते हो, राइट उमर? आपके यहाँ पर भी ऐसा हो गया है? जी, पूरे बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है कर हाँ सकते हैं, वो हाँ नगर विकास आवास विभाग से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, साल हाँ में एक बार निकलता है, तो हाँ हाँ उसके थ्रू जो है सिविल इंजीनियर का भी हो जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी हो जाता हाँ हाँ तो ये बड़ा अच्छा है। हो गया अभी जो ये मतलब लागू हो गया है, तो मतलब काफी बेहतर हो गया है ये चीज। और पहले ये चीज कैसे था कि लेकिन हर सर प्रोफेशन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर पे कंट्रोल नहीं है यहाँ ना बिहार में, है क्या कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर का तो लाइसेंस तो दे रहे हैं हाँ लेकिन उस पे कंट्रोल, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है कोई नहीं, खास उस पर कंट्रोलिंग कि एक अथॉरिटी होती नहीं है स्ट्रक्चरल ना, इंजीनियर। होती ही नहीं अच्छा, ना। लाइसेंस मिल गया तो कुछ, लाइसेंस मिल गया तो हो गया ना। यस, उस पे कोई कंट्रोलिंग है ही नहीं। आप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हो वही कंट्रोलिंग है। जैसे कि जैसे आप प्लानिंग गड़बड़ करोगे तो कॉर्पोरेशन है ना चेक करने के लिए, है ना? तो हाँ स्ट्रक्चर हाँ इंजीनियर उसका के जो ऊपर कोई, नॉर्म्स है। हाँ ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है? वो आप चार्टर्ड इंजीनियर का लाइसेंस बनवा लेते हैं, आप रजिस्टर्ड हो गए, और आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए। बस आपका जो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है वही प्रूफ है, कुछ भी गलत होता है हमने आपको जो है किसी सर द केस में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है ना, द हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कलकत्ता का जो है, हाँ उसका एसोसिएट मेंबरशिप भी लिया हुआ है, चार्टर्ड मेंबरशिप भी भी लिया जो हुआ, है उसका मेरा मिल गया है। 5 साल का एक्सपीरियंस था तो वो चार्टर्ड मिल गया है। हाँ अभी जो है चार्टर्ड, सर हमको IASC जो है न्यू हाँ दिल्ली वाला इंडियन एसोसिएशन, हाँ तो उसमें जो है रेफरेंस मांगा जा रहा है, हाँ उसमें रेफरेंस स्ट्रक्चर एसोसिएशन। किसी न किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर का रेफरेंस चाहिए उसमें। हाँ तो सर किसका स्ट्रक्चर यहाँ तो है नहीं, ओ, मिल चाहिए जाएगा। वो और तो आप सपोर्ट कर दो रहे दो थे दो जगह रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाह रहे हो? मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन दो जगह रजिस्ट्रेशन, वो जो है सर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नहीं है, अच्छा जो हमने किया है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नहीं है, केवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का है। मेंबरशिप लिया है तब केवल आपने।
हाँ, स्पेशलाइज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का वो एसोसिएशन नहीं है सर, हाँ वहाँ पर कितना वो चार्ज लग, इंजीनियर्स का एसोसिएशन। वहाँ पर कितना चार्ज लगा था आपका? मैं 6,000 के सम टोटल 13,000 के आसपास लगा था दोनों चार्टर्ड का लेने में, 2018 में ही लिया था मैंने। हाँ नहीं, अभी मैंने देखा था, अभी पीछे तो 8,400 दिखा रहा था मेंबरशिप का, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत ये हाँ वही डिफरेंस डिफरेंस होता रहता है, तो इसलिए बोला कि मैंने कि आपने जब बनवाया तो आपका कितना चार्ज गया। वो मेंबरशिप तो काफी है सर हाँ वो मेंबरशिप काफ़ी है ना। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, हाँ, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो पर्याप्त है ना, आपके पास स्ट्रक्चर इंजीनियर का मेंबरशिप है ना? नहीं स्ट्रक्चर है सर, नहीं, वो चाहिए, इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर। नहीं तब वो लगेगा। हाँ तो इसीलिए उसी में हम जो है सर फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो रेफरेंस मांग अभी रेफरेंस हो गया है। देखे पीछे से, देखे थे पीछे, अच्छा पिंटू भी देखे थे, 8,400 था। अच्छा ठीक है, तो हाँ उसमें रेफरेंस मांगता है, रेफरेंस लेके तब उसके थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। और एक बार आपने ले लिया तो उसके बाद धीरे धीरे आप अपना जी। मेंबरशिप कर सकते हो। आपको जरूरत पड़ेगी बताइएगा, हम करवा देंगे, डोंट वरी, रेफरेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड सर हाँ जी, एक और अनिल क्वेश्चन था जी। सर, जैसे हम फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं शुरुआत में, हाँ और जैसे कभी ऐसा होगा कि चाहिए, लेकिन जैसे कोई हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसका एनालिसिस किया, डिजाइन किया, वो फेल हो गया, हाँ तो फिर उस केस में क्या होगा, हमारे ऊपर क्या क्या केस मतलब बनेगा, क्या क्या धाराएं लगेंगी, ये सब कुछ। देखो, धारा का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि आप एग्जैक्ट में धारा भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं पूरा लॉयर नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर मुझे पता है कि आपको, आपके ऊपर एक केस बनता है कि आपने फ्रॉड किया है, ठीक है, और आपने सही तरीके से डिज़ाइन को नहीं किया हुआ है, पैसे के चक्कर में आपने गलत डिज़ाइन दिया हुआ है। लेकिन ये प्रूफ कब हो पाएगा, ठीक है, जब प्रूफ ये हुआ है जब आपने गलत डिज़ाइन दिया होगा तब ना, ठीक है। आपने गलत डिज़ाइन दिया है तो उन्होंने क्या, आपने सही डिजाइन दिया है, अगर उन्होंने मटेरियल गलत यूज किया हुआ है तो ये कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर चला गया, आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। आपने गलत डिजाइन तो दिया नहीं, आपने तो डिजाइन सही दिया है, इन्होंने मटेरियल गलत यूज किया हुआ है, ये उनकी प्रॉब्लम। हाँ इसमें स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए आपको, ठीक है। इसीलिए स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देने से पहले आपको प्रॉपर साइट को चेक करना चाहिए कि ये साइट सही है कि नहीं। जितना मैंने डिजाइन M25 पर किया है तो क्या इन्होंने M25 दिया है क्या, तो इसका भी रूल है। क्या रूल है, बिस्टिंग करना पड़ता है, और बिस्टिंग का आपको चार्ज पे करना चाहिए, मतलब क्लाइंट को पे करना चाहिए। जब आपका फुटिंग वर्क होने लगे तो एक बार विजिट होना चाहिए आपका, एक बार प्लिंथ लेवल पर आपका विजिट होना चाहिए एज स्ट्रक्चर इंजीनियर, एक बार कॉलम पूरा कास्ट होते समय आपके पास आपकी बिस्टिंग होनी चाहिए, एक बार स्लैब की कास्टिंग पर होना चाहिए, और ये चारों बार का आपको फी मतलब क्लाइंट पे करे, आपने विजिट किया उसके लेके, तब आपको स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देना चाहिए, ये इसका रूल है। समझ गए ना? यस सर। हाँ तो ये है दोस्त, इसमें ये चीज करना पड़ता एंड सर जैसे जैसे हम कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, तो जैसे हमने जो डिजाइन दी है उसको फिर आगे कोई और चेक करता है क्या सर, कि डायरेक्ट उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा था साइट पे। है, एजुकेशन हो जाएगा उसको, क्यों चेक करेंगे, कोई प्लानिंग को करते हैं, प्लानिंग को पास कराना पड़ेगा ना। प्लानिंग को आप अपलोड करोगे कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर, और जब अपलोड करोगे तो उसके बाद वहां पर आगे आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो, और किसी का कोई डाउट है भाई? उमर जी आपका कोई डाउट है, उसके प्रथमेश का कोई डाउट है? यस उमर बोलिए। हाँ वो सर अपवर्क पे जो है रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन वहाँ उस पे जो वर्क आ रहा है कुछ समझ हाँ में नहीं आ रहा है। समझ में, इन सेंस कि आप काम नहीं कर पा रहे उस पे। हाँ उसमें जो है कैसे क्या करना है वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और देखो अपवर्क पे आपको बिडिंग करनी भी है, बिडिंग किया कि नहीं आपने कभी? नहीं कभी नहीं किया फर्स्ट चलिए मैं टाइम। कल आपको करके दिखा दूंगा। आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड मुझे ना डीएम करके रखना, बाद में अपना चेंज कर लेना, तो मैं लॉगिन करके आपको दिखा दूंगा किस तरीके से बिडिंग करते हैं। उसमें बिडिंग एक बार नहीं करना पड़ता, कई बार करना पड़ता है, और तो बिडिंग करने के बाद उस पर आपका धीरे धीरे करके वर्क मतलब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है, तो अपने आप लोग आपको प्रीफरेंस देने लगते हैं, ऐसा करना पड़ता है। मैं दिखा दूंगा, करके जी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक। ओके जी, चलिए अभी नेक्स्ट भाई, यहाँ पर प्रथमेश का डाउट रह गया, इस प्रथमेश बोलिए।
एक वो भेजे थे जहाँ पे मेंबरशिप का डिटेल मिलता है सर, लगता है। हाँ हाँ वो देख लिया मैंने, आपको फोटो देख लिया। ये मेंबरशिप के लिए लग रहा होगा ना? हाँ मेंबरशिप के लिए, हाँ मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप के एड्रेस, लिए। हाँ सपोर्टर्स का नाम। हाँ वो क्या बोलते हैं, दो मेंबरशिप आपको लग, दो मेंबर जो एसोसिएट मेंबर्स हो उनका वो लगता है उसमें। जी ठीक है, लगेगा बताइएगा, हम आपको अरेंज कर देंगे। ठीक जी है, ओके ओके। प्रथमेश आपका कोई डाउट रह गया पूछ लीजिए, फिर मेजर डाउट की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रथमेश क्या आपने पूछा है कि लाइसेंस, ड्राफ्टिंग का लाइसेंस? सिंपल है, ड्राफ्टिंग का लाइसेंस में तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग का लाइसेंस आपको बनाना है, पहले तो आप मेंबरशिप ले लीजिए। तो मेंबरशिप अभी कंपलसरी कर दिया सबने, ठीक है, तो मेंबरशिप आप ले लीजिए सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है मेंबरशिप लेने के बाद, ये आपको अपने कॉर्पोरेशन में जाना है। कॉर्पोरेशन में जाके अपना, ऑनलाइन भी कई कॉर्पोरेशन का हो गया है, फिलअप कर दीजिए अपना फॉर्म, और फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर ड्राफ्टिंग का लाइसेंस आप ले सकते हैं। कुछ कॉर्पोरेशन में 300 मीटर स्क्वायर तक के लिए आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप वहाँ तक का लाइसेंस, मतलब लाइसेंस मिल जाएगा आपको, उतना आप ऑथराइज करके सबमिट कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो ये रूल है इसके लिए प्रथमेश। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग का कोई खास टेंशन नहीं है, और डिग्री है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस की भी रिक्वायर्ड नहीं है। डिप्लोमा है तो आई थिंक 2 ईयर्स का है, एक बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। 2 ईयर्स का बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होगा लाइसेंस के लिए। ठीक है, सर, वो और प्लानिंग इंजीनियर नाम से है क्या? नहीं, प्लानिंग इंजीनियर नाम से नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि कैड होगा या फिर प्लान अप्रूवल ऐसा समथिंग करके होगा नाम वहां पर। ठीक है।